क्योंकि टीम इंडिया मैच हार गई, विराट कोहली को उसकी बेटी के लिए रेप थ्रेट्स मिले, मेरा दिमाग खराब हो गया था मैंने ये सुना था जब। आई वाज लाइक क्या बोल कह रहे हो, लोगों में दिमाग नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। बच्ची यार, उसको पता भी नहीं है वो कह रहा है दुनिया में, आप उसको रेप करने की बात कर रहे हैं। साइबर बुलिंग आज एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, इनफैक्ट ये सबसे बड़ी मॉडर्न डे चैलेंजेस में से एक है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट की इंक्रीज होती जा रही है, उसके कारण सिर्फ पॉजिटिव से नहीं बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम और साइबर बुलिंग जैसी बहुत सारी चीजें बढ़ती जा रही है। साइबर बुलिंग एंड साइबर हैरेसमेंट, ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलिंग, एक अम्ब्रेला के अंडर आते हैं जिसको कहते हैं साइबर क्राइम। अभी साइबर क्राइम होता क्या है? Honestly, मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, बट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर रिचा वैष्णवी पारिक, she's somebody who's studying law, तो एक दिन मैं उसे डिस्कस कर रहा था स्पेशली ये न्यूज पढ़ने के बाद। और यही न्यूज नहीं, कभी भी फेसबुक खोलता हूँ उसके अंदर बहुत सारे इनफैक्ट अच्छे अच्छे जाने माने न्यूज पेपर्स या फिर न्यूज एजेंसीज ऐसे टॉपिक्स डालते हैं, ऐसे आर्टिकल्स डालते हैं, मैं उनको देख के सरप्राइज हो जाता हूँ। स्पेशली मेल फंक्शंस या फिर कोई सेलिब्रिटी ने छोटी ड्रेस पहनी है उसके लिए कुछ भी लिख देना, कम कपड़े पहन के उसके बारे में ऐसे बड़ा चढ़ा के लिखना, हो क्या रहा है? So, मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा यार इसके अगेंस्ट कोई लॉ वगैरह नहीं क्या, मतलब किस तरीके से नफरत, किस तरीके से गंदगी फैलाया जा रहे हैं लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे ऐसे ब्रांड्स के ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मैंने पढ़े, मैं शॉक्ड हो गया था। तो मैंने उससे पूछा यार इसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा है? उसने कहा बिल्कुल किया जा रहा भैया, ये सब कुछ आता है साइबर क्राइम के अंडर। सो मैंने उससे पूछा साइबर क्राइम होता क्या एग्जैक्टली? सो आज मैं साइबर क्राइम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। थैंक्स टू यू रिचा फॉर गिविंग मी दिस आर्टिकल। मैं समझाऊंगा साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उससे फाइट कैसे कर सकते हैं, अगर आप में से कुछ लोग अगर उससे सफर कर रहे हैं साइबर क्राइम से, तो उसके सॉल्यूशंस क्या है, आप कैसे एक्शंस ले सकते हैं, जो कि बुलीज हैं, जो कि बुली कर रहे हैं, जो कि परेशान कर रहे हैं, उनसे कैसे फाइट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। The widely accepted definition of cyber bullying by cyber crime experts is an aggressive, intentional act or behavior that is carried out by a group or an individual using electronic forms of contact. एक ऐसा intentional और aggressive behavior जब एक इंसान दूसरे इंसान पे करता है ये समझ के कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, electronic माध्यम से, electronic माध्यम मतलब internet के through, उसको cyber bullying या cyber crime के under consider किया जाता है। cyber bullying अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे की जा सकती है, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मेरी कुछ ऐसी प्राइवेट फोटोज या वीडियोस जो मैं नहीं चाहता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऑनलाइन जाए, कोई इंसान मेरी कंसेंट, मेरी इच्छा, मेरी अनुमति के बिना अगर शेयर कर देता है तो उसको साइबर क्राइम के अंडर माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, फेक अकाउंट्स बनाना, स्पैम ग्रुप्स क्रिएट करना, बॉडी शेमिंग करना, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज के साथ होता है उनकी कोई गलतियां हो जाती है उसको बड़ा चढ़ा के सिर्फ न्यूज बनाने के लिए, सिर्फ कॉन्टेंट बनाने के लिए ऑनलाइन डालना, कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। मैं शॉक्ड था जब मैंने ये चीजें देखी, नॉर्मल लोग ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े नाम कमाए हुए लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं। अकाउंट्स को हैक करना, सबसे बड़ी अकाउंट्स को हैक करके उसका मिसयूज करना, किसी के अकाउंट पे वल्गर मैसेजेस पोस्ट करना, किसी के कमेंट बॉक्स में या किसी की प्रोफाइल पे जाके वल्गर चीजें शेयर करना, किसी इंसान को डराना और उससे कुछ गलत काम करवाना, हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल सी चीज है ये अभी। अब क्योंकि हम सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है इन चीजों को बोलने के लिए, तो लोग इसके बारे में बात करने से डरते हैं। बहुत कॉमन सी चीज है, लड़का और लड़की रिलेशनशिप में है, क्योंकि एक ट्रस्ट था उनके बीच में, कुछ डेटा या कुछ पिक्चर्स या कुछ वीडियोस एक दूसरे के पास में उनके, कुछ लोग इसको भी मिसयूज कर लेते हैं। कैसे? लड़का लड़की को ब्लैकमेल करेगा, लड़की लड़के को ब्लैकमेल करेगी दैट यू डू इट, ये करो अदरवाइज मैं तुम्हारी पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगा या फिर मैं तुम्हारी पिक्चर शेयर कर दूंगा। बिगेस्ट मिस्टेक, इट्स अ बिग केस ऑफ साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम। स्टॉकिंग व्हिच लीड्स टू समथिंग डेंजरस इज अ प्रॉब्लम। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और थ्रेट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी बहुत ज्यादा केस हो रहे हैं हमारे ही अराउंड, हमारे ही लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो बच्चे हैं। आजकल हम इतने केसेस सुनने को मिलते हैं, 4 महीने की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है इसको? इतना सजा धजा के सोशल मीडिया पे डालना, न्यूज़पेपर्स में डालना, सोचेंगे ना इसके बारे में?
तो समझ में आएगा क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, उसी दुनिया में जिसमें हम लोग रह रहे हैं। एज सच साइबर बुलिंग के स्पेसिफिक लॉज नहीं थे, बट नाउ सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विद साइबर बुलिंग इन अ वे। ये लॉ जो है प्रेस्क्राइब करता है पनिशमेंट्स जो लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये क्राइम्स कमिट करते हैं। ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रांसफर करना, अपलोड्स करना या फिर किसी की इंफॉर्मेशन विदाउट देयर चॉइस, उसके अगेंस्ट उनको कई सालों की सजा और बहुत बड़ा जुर्माना भी करना पड़ सकता है। साइबर बुलिंग के लिए सेक्शन 67 ऑफ आईटी एक्ट के अलावा और भी प्रोविजंस हैं। सेक्शन 507 आईपीसी, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की लड़कियों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं सिर्फ लड़कियों को, इनफैक्ट लड़कों को भी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया गया कि अगर कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फिर कोई भी थ्रेट या धमकी या किसी तरीके का दबाव आप पे डाल रहा है अनोनिमस कम्युनिकेशन के द्वारा, मतलब आपको पता नहीं है वो कौन है कहाँ से है, आपके पास पूरा राइट से उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का, और उस इंसान को पकड़ा जाएगा और उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, मतलब उसको कई सालों की सजा हो सकती है। दूसरा सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट, ये सेक्शन प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी अगर कोई वायलेट करता है आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो और उस पर पनिशमेंट है। ये सेक्शन करता है कि अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान की प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस पब्लिश करते हुए, कैप्चर करते हुए या ट्रांसफर करते हुए पकड़ा गया, उसको कई सालों की सजा होगी, ना ही सिर्फ सजा, उसके लिए पनिशमेंट स्पेशल है। अगर आप में से कोई भी ऐसे सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, सेकंड आप किसी भी साइबर क्राइम एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमें नहीं पता इस चीज के कारण कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है, कोई अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कोई अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कोई अपने रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। आपको नहीं पता आप अपने छोटे से एक्ट के कारण किसकी जिंदगी खराब कर सकते हैं। सो बी ओपन, अपना ध्यान रखिए, अवेयर रहिए, इसके बारे में और पढ़िए, एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स। आपकी हेल्प करने के लिए लोग हैं आपके अराउंड। कीप स्माइलिंग। चीयर्स।